केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बाबा बासुकीनाथ धाम में बड़ेगी धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई गई। फौजदारी दरबार में बाबा बासुकीनाथ धाम के शिवलिंग को प्रत्येक दिन नई नई आकृतियों से सजाया जाता है, इसलिए आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर शिवलिंग पर भगवान गणेश की आकृति बनाकर उसे सजाया गया। साथ ही हर वर्ष की भांति बाबा बासुकीनाथ धाम के दुर्गा मंदिर प्रांगण में यहां के युवाओं द्वारा मां दुर्गा की गोद में प्रभु गजानंद की प्रतिमा उठाई गई। स्थानीय लोगों में पूजा को लेकर हर्षोल्लास साफ साफ देखने को मिल रहा है। बताते चले कि कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों ने हर वर्ष की भांति बड़े बड़े पंडाल नहीं बनाए हैं। इस वर्ष लोग साधारण तरीके से इस त्योहार को मना रहे हैं ताकि ज्यादा भीड़ ना हो और लोग त्योहार का आनंद भी ले सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी का नाम दिया गया है। उनके पूजन से घर में सुख समृद्धि और वृद्धि आती है। शिव पुराण में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश का जन्मदिन मनाया गया, जबकि गणेश पुराण के मत से यह गणेश अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। पुरोहित नवल बाबा बताते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात्रि में चंद्र दर्शन निषिद्ध किया गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रात्रि को चंद्रमा को देखते हैं उन्हें झूठा कलंक प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। दुमका से सुतिब्रो की रिपोर्ट।